हरे कृष्णा एवरीवन, आज के वीडियो में हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। मेडिटेशन को प्राचीन काल से ही हमारे वेदों में ही ध्यान बताया गया है और काफ़ी सालों से ऋषि मुनि आदि और सभी देवता भी ध्यान करते आए थे। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? ध्यान करने से मन शांत होता है, इसलिए मन की शांति और अपने एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान करना चाहिए, यानी मेडिटेशन करना चाहिए। आज इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद और बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑल, इस सब को काम करने के लिए सभी लोग मेडिटेशन की ओर फिर से आगे बढ़ रहे हैं। फिर से लोग ये समझ रहे हैं कि ध्यान करना बहुत अच्छी बात होती है, खुद को टाइम देना बहुत बेस्ट होता है। तो ध्यान आपको मेडिटेशन कैसे और कब करना चाहिए? जहाँ भी शांत हो, या तो नेचर या फिर रूम जहाँ पे टीवी वगैरह ना चल रहा हो, ऐसी जगह बैठकर आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना मतलब क्या कि किसी चीज़ पे फोकस करके भी आप ध्यान कर सकते हो, या फिर आइज क्लोज करके आप थॉट के बिना ध्यान कर सकते हो, या फिर आप भगवान का नाम याद करते हुए भी ध्यान कर सकते हो मन ही मन में। माला करना भी इसका ही एक प्रकार होता है। देन उसके बाद मेडिटेशन किस समय करना ज़्यादा यूज़फुल होता है? तो सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग के मेडिटेशन करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत बेस्ट होते हैं। सुबह आपका माइंड उठते ही और रात में सोने से पहले सबकॉन्शियस स्टेट में जो भी आप थॉट करोगे वो जल्दी से चले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आप उठकर अगर मेडिटेट कर रहे हो और फिर कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप इजीली वो सब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, इसलिए वो समय बेस्ट है। अगर इन दोनों समय में आप नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो दोपहर में जब भी आपको टाइम मिले तब आप ध्यान कर सकते हो, या फिर आप दोपहर में किसी भी टाइम पे अगर नेगेटिव हो जाए, सैड हो जाए किसी रीज़न की वजह से, तो खुद को काम करने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से पहले आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आप इजीली मेडिटेट कर पाओगे। देन उसके बाद कि मेडिटेशन करने से बहुत कुछ बेस्ट होता है लाइफ में, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स पूरी तरह से कम हो जाते हैं और हम पॉजिटिविटी को इजीली ले सकते हैं। तो ये सब था मेडिटेशन के बारे में। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, आप उनको भी सुन के मेडिटेट कर सकते हो। कुछ म्यूजिक्स होते हैं, सबलिमिनल्स होते हैं, या फिर गाइडेड मेडिटेशन में म्यूजिक होते हैं, या फिर कोई मंत्र चल रहा होता है उसको सुनते हुए आप ध्यान कर सकते हो, या आप खुद को काम करके खुद के ही पॉजिटिव थॉट्स चलाते हुए भी ध्यान कर सकते हो। तो ये सब था मेडिटेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।